Hello friends, welcome to Study Adda 24/7. Today we will continue our previous topic and that is motion. तो आज हम लोग motion को ही continue करेंगे. पिछले topic में हम लोगों ने पढ़ा पिछले videos में अभी तक कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे चाल किसे कहते हैं, यानी कि स्पीड क्या होता है. ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आया है और डिस्टेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, यानी कि जो दूरी होती है एक्चुअल में बॉडी ने जिस रास्ते को तय किया है, जिस रास्ते पर चला है, उस रास्ते का सीधा सीधा एडिशन ही क्या होता है, दूरी होता है. और इसी दूरी को इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आज हम लोग स्पीड के ही बारे में इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे. स्पीड कितने टाइप के होते हैं और स्पीड से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें कैसे शॉर्ट आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे. तो देखिए, स्पीड बेसिकली होते हैं तीन तरीके के. पहला होता है एवरेज स्पीड. जो एवरेज स्पीड होता है इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यानी अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसने किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच तक डिस्टेंस तय किया, ए से बी तक गया वो, और हो सकता है मान लेते हैं कि उसने 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया और उसने टाइम लिया 5 सेकेंड, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस लिया ए से बी तक जाने में, 10 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया, तो इसका और टाइम कितना लिया 5 सेकेंड, तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी 10/5, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए पर है, ए से बी तक वो जाता है और 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, फिर ऑब्जेक्ट बी से सी तक जा रहा है और ज्यादा 5 मीटर और ट्रेवल किया उसने डिस्टेंस, और सबके लिए टाइम आपको कितना दे रहा है, ए से बी तक जाने में 2 सेकेंड टाइम, बी से सी तक जाने में टाइम आपको दिया 2 सेकेंड, और फिर आपसे कहा कि सी से ऑब्जेक्ट डी पर भी आ रहा है और इस बार उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस 4 मीटर और टाइम कितना लिया उन्होंने, टाइम 2 सेकेंड ही कंटिन्यू किया. तो अभी आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड जैसा कि हम फॉर्मूले से ही जानते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, ए बी टोटल डिस्टेंस. सबसे पहले इस एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग टोटल डिस्टेंस को फाइंड करेंगे. तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. ओके, ए बी की लेंथ कितनी है 5 मीटर, बी से सी तक की लेंथ कितनी है 5 मीटर, और सी से डी तक की लेंथ कितनी है 4 मीटर. तो ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 + 5 = 10 मीटर प्लस 4 = 14 मीटर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने टोटल टोटल कवर किया है. अभी हम बात करते हैं टोटल टाइम की. तो जब हम टोटल टाइम फाइंड करेंगे तो टाइम को भी हमें कुछ नहीं सोचना है और सीधे सीधे ऐड कर देना है. तो यहाँ पर देखिए, टाइम हमारा एबी के लिए टाइम ऑब्जेक्ट कितना कवर किया, 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड बी से सी तक का टाइम, और सी से डी तक का टाइम भी आपको 2 सेकेंड ही दिया हुआ है. तो इस बार क्या हो जाएगा, टाइम टोटल टाइम हो जाएगा 6 सेकेंड. तो एवरेज स्पीड बताइए फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड, जी हाँ,
हम पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 14 मीटर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 14 मीटर, और टोटल टाइम हमें कितना गिवन है, दैट इज 6 सेकेंड। तो हमारा जो स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा 7/3 मीटर/सेकेंड, और यही क्या है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो ये सबसे पहला टाइप था स्पीड का। अभी बात करते हैं स्पीड के दूसरे टाइप की। तो एक हो गया आपका एवरेज स्पीड। दूसरी जो स्पीड की टाइप होती है वो होती है यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अभी देखिए यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होगा स्पीड का, दैट विल बी सेम, वो सेम ही रहेगा एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लेंगे, वो लेंगे हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया वो आपको वैल्यू दे रहेगी, और उसने कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया, यानी वो दूरी उसने कितने समय में तय किया वो आपको अगर दिया रहे, तो आप आराम से उस ऑब्जेक्ट का समान चाल अर्थात यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड, और इसी तरह से सेम फॉर्मूला होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए फॉर्मूला तो सबके लिए सेम है। फॉर्मूला जनरल जो हमारा सबसे बेसिक चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यानी समान चाल की, तो समान चाल के लिए भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और बात करते हैं अगर असमान चाल की, तो असमान चाल के लिए भी फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या, यहां से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस ये आएगा कि जब हम बात करेंगे समान चाल की, यानी कि टर्म से चाल से पहले क्या आ गया, वर्ड समान आ गया, यानी ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अगर वैल्यू हमेशा, मतलब कि जितना आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है, जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से डी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ए से डी तक पूरा पूरा इसका जो स्पीड हमें मिलेगा हर बार हर पॉइंट के लिए सेम मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस सी से डी भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर उसने ट्रेवल किया और टाइम लिया 2 सेकेंड। तो देखिए हर स्लॉट में, ठीक है, अगर हम बात करें ए बी की, या फिर बात करें बी से सी तक की, या फिर बात करें सी से डी तक की, हर केस में हर इंटरवल के लिए हमें जो स्पीड है वो सेम मिलेगा। चलिए चेक करते हैं, ये देखिए ए से बी तक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर, और अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देंगे स्पीड को फाइंड करने के लिए। तो ए से बी तक के लिए टाइम कितना है, अगर हम बात करें ए बी की, तो टाइम है आपका 2 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड ए बी के लिए कितना आया, 5 मीटर/2 सेकेंड, 5/2 मीटर/सेकेंड। अभी अगर हम बात करें बी से सी तक की, तो बी से सी तक के लिए भी देखिए फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर, और ऑब्जेक्ट ने टाइम कितना लिया 5 मीटर कवर करने में, 2 सेकेंड। तो बी से सी तक के लिए भी हमें क्या मिल रहा है, 5/2 सेकेंड। अभी बात करें सी से डी तक की, तो सी से डी तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5 मीटर, और टाइम कितना लिया है ऑब्जेक्ट ने, 2 सेकेंड। तो हर पॉइंट पर देखिए, हमने अब ए से डी तक आप पूरा पूरा ले लीजिए डिस्टेंस, अगर हम ए से डी तक की बात करें,
तो आप देख सकते हैं कि ए से डी तक टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। ए से डी तक हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पर ये बटा हुआ नहीं है, ए से डी तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है टोटल 15 मीटर और टाइम इसने कितना लिया है 6 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा 15/6 और जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो यही खासियत है यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि कितना भी बड़े से बड़ा डिस्टेंस हम ले ले या छोटे से छोटा डिस्टेंस ले ले, हर इंटरवल के लिए हमें स्पीड की वैल्यू कैसी मिलनी है, एक ही मिलनी है, सेम मिलनी है। और क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करता है इसलिए हम कहेंगे स्पीड हर पॉइंट के लिए क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता तो डेफिनेटली सी से डी तक के लिए जो आपका वैल्यू होता वो चेंज हो जाता। ये ऐसा केस आएगा, वो केस होगा वेलोसिटी का केस, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे स्पीड की, ठीक है। तो अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जहां पर वैल्यू हमेशा यूनिफॉर्म रहती है यानी जो वैल्यू है वो समान रहेगा। अभी बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका हिंदी होता है असमान चाल। समान चाल में वैल्यू हमेशा कैसा रहा, समान रहा। असमान चाल में वैल्यू कैसा हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपकी असमान होती। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो फॉर्मूला होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो बिल्कुल सेम होता है यूनिफॉर्म स्पीड के, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कि यूनिफॉर्म स्पीड में वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है, यानी समान चाल के लिए वैल्यू हमेशा समान रहती है। ठीक इसी तरह से असमान चाल के लिए क्या हो जाएगा, जी हाँ, वैल्यू जो होगी वो असमान रहेगी। अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए से बी तक मान लेते हैं जो समान समय अंतराल है, इसमें ये डिस्टेंस का अंतराल यानी कि दूरी का जो अंतराल है वो बदल जा रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 मीटर हो गया, यहाँ पर 3 मीटर हो गया, यहाँ पर 1 मीटर हो गया। तो अभी ये जो अंतराल है ये बदल गया। तो अब देखिए अभी ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए और पूरे ए डी के लिए भी वैल्यू बदल जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें ए से बी तक की, तो ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक डिस्टेंस है 4 मीटर। और इसको कितने टाइम इसने लिया, ए से बी तक के बीच में इसने टाइम लिया 2 सेकेंड। अभी बात करते हैं बी से सी तक की, तो बी से सी तक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया, 3 मीटर और टाइम कितना लिया 2 सेकेंड, 3 मीटर/2 सेकेंड। सी से डी तक की बात करें तो सी से डी तक के बीच में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया है, 1 मीटर और टाइम कितना लिया है और वो है 2 सेकेंड, ठीक। अभी पूरे एडी के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, 4+3+1 ये डिस्टेंस हो जाएगा यानी कि 8 मीटर और टाइम कितना होगा 6 सेकेंड। तो अभी देखिए अगर सबको हम लोग अलग अलग सॉल्व करें तो हमें मिल रहा है कि हो सकता है कि कुछ वैल्यूज बराबर हो जाए और हो सकता है कि कुछ वैल्यूज बराबर ना हो। तो अगर इन सभी वैल्यूज में से एक भी अनइक्वल वैल्यू आ जाता है यानी असमान वैल्यू हमें मिल जाता है तो उस चाल को हम तुरंत क्या बोलना शुरू कर देंगे, असमान चाल की बात करेंगे वहां पे। अभी एक और टाइप होता है यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमेशा डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर एडी क्या है, एक तरह से एडी है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
अभी समान चाल की बात करें तो वो क्या होता है, जब चाल की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, यानी कि कितना भी छोटा से छोटा टाइम इंटरवल हम क्यों ना ले लें और कितना भी बड़ा से बड़ा टाइम इंटरवल क्यों ना ले लें, लेकिन जो स्पीड की वैल्यू है वो बदलने वाली नहीं है। तो उस तरह के चाल को हम क्या कहेंगे, समान चाल कहेंगे। अभी बात करते हैं असमान चाल की, तो असमान चाल की वैल्यू वेरी होती रहेगी, यानी कि हो सकता है कि कभी 4/2 यानी कि 2 है, कभी 3/2 हो गया, कभी 4/3 हो गया, तो इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, तो उस तरह के चाल को हम क्या कहेंगे, असमान चाल। अभी बात करते हैं एक फोर्थ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चाल की, यानी कि ये जनरली आपको पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और कई बार आपसे कहा जाता है इसको हिंदी में हम कहेंगे तत्कालिक चाल। ठीक है, तो अभी देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अचानक से। तो अचानक से अगर किसी चाल की बात हो, अचानक से मतलब कि बी से सी ऑब्जेक्ट चल रहा है आराम से अपना सीधे चाल पे, सीधे रोड पे चला जा रहा है, और अचानक से हमने कोई पॉइंट लिया ओ और हमने कहा कि चलो बताओ इस पॉइंट पर स्पीड कितना है, तो ऐसा अगर तत्कालिक बिंदु अगर हम किसी को ले ले, तत्कालिक बिंदु पर चाल को जब हम मेजर करते हैं तो उस चाल को हम कहते हैं तत्कालिक चाल। तो देखिए जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट ओ की, तो पॉइंट ओ है और पॉइंट ओ पर स्पीड कितना है कुछ ऐसी बात हो रही है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया होगा वो बहुत ही छोटा रहा होगा। जब डिस्टेंस बहुत छोटा है तो उसके लिए टाइम भी क्या होगा, वो भी बहुत छोटा होगा, तो इसलिए जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है इसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है dx/dt। यहाँ पर ये जो d है ये टर्म यूज होता है टू डिनोट अ स्मॉल वैल्यू, बहुत ही स्मॉल वैल्यू को डिनोट करने के लिए हम d का यूज करते हैं। तो वैसे आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, आपसे केवल इस तरह की वैल्यू पूछी जाएगी या इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरे जगह तक चल रहा है और अचानक से हम एक बिंदु ले ले तो उस बिंदु पर चाल को हम क्या कहेंगे, तो उस बिंदु के चाल को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आज हम लोगों ने कितने टॉपिक पढ़े, आज हम लोगों ने स्पीड के चार प्रकार पढ़े, इस चाल के चार प्रकार होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा एवरेज स्पीड, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और चौथा हम लोगों ने पढ़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो अभी देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट मैच जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो कई रन रेट आपको दिखता है स्क्रीन पर, साइड में रन रेट दिख रहा है, तो जो रन रेट होता है एक रन रेट होता है कि टोटल कितने ओवर थे और उस टोटल ओवर में जो बैट्समैन है उसने कितने रन बनाए। ठीक है, तो जब बात होती है टोटल ओवर, अगर हम 20-20 की बात करें तो 20 ओवर, और टोटल रन की बात करें तो टोटल रन अपॉन ओवर जब करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रन रेट ऑफ द बैट्समैन। तो वो जो मिलेगा आप जब टोटल अपॉन टोटल लोगे तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि पहले ओवर में बैट्समैन ने बनाए 6 रन तो पहले ओवर का रन रेट कितना हुआ, 1 रन पर बॉल, दूसरे ओवर में भी बैट्समैन ने 6 रन बनाए, तीसरे ओवर में भी बैट्समैन 6 रन बना रहा है, चौथे में भी 6 रन, इसी तरह से हर ओवर में अगर बैट्समैन ने 6 रन बनाए तो यहाँ पर जो उसका रन रेट होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक
वैसे ही जैसे कि हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। अभी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जनरली जैसा कि होता है, हो सकता है कि पहले ओवर में बैट्समैन ने बनाए 1 रन, दूसरे ओवर में उसने 10 रन बना लिए, तीसरे में उसने सिर्फ 8 ही बनाए, तो इस बार रन रेट क्या हो रहा है उसका वेरी कर रहा है ओवर टू ओवर, तो इसे हम कौन सी कैटेगरी में लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, वहां पर रन रेट, यहाँ पर स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अभी बात करते हैं कि आप अचानक से कहीं बाहर गए थे, अचानक से आप घर में आए और आपने पूछा कि अभी इस बॉल पर रन रेट कितना है, ठीक है, तो अगर आप एक बॉल पर या एक ओवर पर रन रेट पूछ रहे हो, पता कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रन रेट। और इस केस में अगर हम आप अचानक से किसी पॉइंट पर पॉइंट करके पूछते हो कि इस पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर तत्कालिक चाल। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।